दोस्तों याद रहे यूट्यूब हमारे इस वीडियो की नोटिफिकेशन 19 लाख सब्सक्राइबर्स में से सिर्फ 1000 लोगों को ही भेजेगा और थोड़ी देर में इस वीडियो को भी गायब कर देगा, क्योंकि उसे अश्लीलता से ज्यादा पैसे मिलते हैं न कि हमारे जैसे ज्ञानवर्धक वीडियो से। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हम और वीडियोस लाते रहें तो कृपया इसे इतना शेयर करें कि यूट्यूब के मुंह पे तमाचा लग सके। मेक्सिको अपने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों एवं स्वादिष्ट व्यंजनों के अलावा रहस्यमय स्थानों के लिए भी विश्वविख्यात है। यहाँ बोल्सो डे मैपमी के निकट एक मरुस्थलीय भूमि का टुकड़ा है जिसे निःशब्द क्षेत्र या द साइलेंट जोन कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे ला जोना डेल साइलेंसियो कहते हैं। अपने नाम के अनुसार ये क्षेत्र यहाँ तकनीकी उपकरणों से होने वाले किसी भी कम्युनिकेशन को रहस्यमय तरीके से निगल जाता है, जिस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। वैज्ञानिक इसका कोई ठोस कारण अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। फिलहाल ऐसी परिस्थितियों की वजह के केंद्र में जो तथ्य है वो है इस जगह का असाधारण रूप से रेडियो एक्टिव होना। इस क्षेत्र की पहली रहस्यमय घटना सन 1940 के दशक में घटी, जब इस क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे एक विमान के पायलट फ्रांसिस्को सराबिया ने इस क्षेत्र में उड़ने के दौरान अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि उनके वैमानिक उपकरण उनके नियंत्रण से बाहर होकर विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहे थे और उनके विमान ने किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजना और प्राप्त करना बंद कर दिया था। बाद में उन्होंने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। दूसरी घटना जुलाई 1970 में घटी, जब अमेरिकी सेना ने अपने नियमित सैन्य अभ्यास के अंतर्गत ग्रीन रिवर यूटा स्थित अपने सैन्य अड्डे से व्हाइट सैंड मिसाइल क्षेत्र की तरफ एक मिसाइल दागी। दागे जाने के कुछ ही सेकेंड्स के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डे ने मिसाइल से अपना नियंत्रण खो दिया और मिसाइल मैपमी के मरुस्थलीय क्षेत्र में जा गिरी। दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए अमेरिकी वायुसेना ने मेक्सिको की सरकार से अनुरोध किया तो मेक्सिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों को उस इलाके की छानबीन और शोध करने की अनुमति प्रदान की। कहा जाता है कि उस रॉकेट में दो छोटे कंटेनर थे जिनमें कोबाल्ट का समस्थानिक कोबाल्ट 57 भरा था, जो कि एक उच्च रेडियोधर्मी तत्व है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल इतने से ही कोई मिसाइल अपने निर्धारित पथ को त्याग कर किसी दूसरे पथ पे नहीं मुड़ सकती। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में पता लगाया है कि वहां किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो या विद्युत चुंबकीय, काम नहीं कर सकता। शोधकर्ता बताते हैं कि उच्च रेडियोधर्मी होने के साथ साथ इस जगह के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहाँ एक प्रकार का अंधकार क्षेत्र, डार्क जोन बनता है, जो रहस्यमय तरीके से यहाँ हर प्रकार के विद्युत चुंबकीय संप्रेषण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन को निगल जाता है। ये जगह उल्का पिंडों के गिरने की भी जगह रही है, जिसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने की वजहों में से एक है। 1970 की घटना के बाद मेक्सिको की सरकार ने यहाँ कई सारे शोध भवन बनाए हैं जो वहाँ होने वाली हर असामान्य घटना पर पैनी नजर रखे हुए है। जानकार बताते हैं कि वहाँ की सरकार पूरा सत्य नहीं बता रही। दरअसल उनका मानना है कि वहाँ शोध करने वाले वैज्ञानिक जिन तथ्यों पर वास्तव में शोध कर रहे हैं उनके बारे में बाकी दुनिया को अधिक अंदाजा नहीं है। उनके इस अनुमान के पीछे कुछ वजहें हैं, जैसे वहाँ विचित्र प्रकाश से घिरी हुई कुछ वस्तुओं का प्रकट होना और डिस्क जैसे आकार की उड़न तश्तरियों का दिखना आदि। वहाँ के स्थानीय लोगों का दृढ़ विश्वास है कि ये जगह दूसरी दुनिया के परग्रही एलियंस के आने जाने का द्वार भी है। वहाँ खेतों पर काम करने वाले लोगों ने उन विचित्र प्रकाशों और असामान्य अजनबियों को देखा है जिनके बारे में कहा जाता है कि वो ऊपर आसमान से आए हैं। वास्तव में उनमें से 3 सुनहरे बालों वाले अजनबियों को कई स्थानीय लोगों ने देखा है, जिनके अजीब से दिखने वाले विमान जब कभी उनके खेतों पर उतरे हैं उस स्थान की पूरी फसल जलकर काली हो गई है। स्थान का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि भौगोलिक रूप से यह मिश्र के पिरामिड और कुख्यात बरमूडा ट्रायंगल के समानांतर है। आधिकारिक रूप से इस स्थान पर परग्रही गतिविधियों के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग न समझ आने वाली कई असाधारण घटनाओं के गवाह बने हैं। यद्यपि ये स्थान बरमूडा ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ वस्तुएं गायब नहीं हो रही हैं, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के होने वाले असामान्य व्यवहार और वैज्ञानिकों की निरंतर उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि यहाँ सब कुछ सामान्य नहीं है। वैसे भी डार्क जोन में कई राज दफन होते हैं और मामला अगर परग्रही गतिविधियों का हो तो ज्यादातर लोग उससे दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। किसी जमाने में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र पटना आज मुख्य शहर है। नंद वंश और मौर्य वंश के शासनकाल में यह न केवल मगध की बल्कि पूरे देश की आर्थिक और सांस्कृतिक राजधानी रहा है। अपनी विरासत को इतिहास में खोजते हुए इस शहर में कुआं है, अगम कुआं। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग 2000 वर्ष पुराने इस कुएं की विशेष बात यह है कि जब से यह कुआं अस्तित्व में आया है तब से आज तक यह कभी नहीं सूखा। गर्मियों के मौसम में जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है यहाँ तो इस कुएं का जल स्तर इसके सामान्य जल स्तर से 1 से 1.5 फीट नीचे चला जाता है,
और वर्षा ऋतु में जलस्तर 1 से 1.5 फीट ऊपर चला आता है। एक मान्यता के अनुसार सम्राट अशोक के समय से अस्तित्व में आए इस कुएं का रहस्य जानने का अब तक 3 बार प्रयास किया जा चुका है। सबसे पहली बार 1932 में, दूसरी बार 1962 में और तीसरी बार 1995 में, मगर आज भी ये एक पहेली बना हुआ है। कहा जाता है कि कई बार भयंकर सूखा, अकाल पड़ने पर भी इसका पानी नहीं सूखा और न ही भयंकर बाढ़ों के आने पर इसके पानी में कोई बढ़ोतरी हुई। इस कुएं की एक और विशेषता है कि इसके पानी का रंग बदलता रहता है। इस कुएं के कभी न सूखने वाले पानी के पीछे यहाँ के क्षेत्रीय निवासी ये तर्क देते हैं कि यह कुआं पश्चिम बंगाल स्थित गंगा सागर से जुड़ा है। वे बताते हैं कि एक बार एक अंग्रेज की छड़ी गंगा सागर में गिर गई थी, जो बहते बहते पाटलिपुत्र स्थित इस कुएं के ऊपर आकर तैर रही थी। आज भी वो छड़ी कोलकाता के म्यूजियम में रखी हुई है। सम्राट अशोक के समय भारत आए चीनी दार्शनिकों ने अपनी पुस्तकों में इस कुएं का उल्लेख इसी रूप में किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा कॉमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।